जय तो भारतम, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के विभाजन गाथाएं जो श्रृंखला अभी कुछ दिन पहले ही हमारी समाप्त हुई है, उस पर जो प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हुई, जो सुझाव हमें प्राप्त हुए, उन सब के लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। अगली श्रृंखला, जैसा कि हमने आपको कहा था कि इसी विषय को लेकर के हम शुरू करेंगे, तो आज हम नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका आलेख डॉक्टर चंद्रत्रिखा का ही रहेगा और आवाज़ रहेगी आपके इस मित्र की, यानी बिल्कुल दिनेश शर्मा की। तो शुरू करते हैं, पर पिछले जो हमारी श्रृंखला थी उसमें हमारी बात जो हुई थी उसके अनुसार मैं, देखिए, क्षमा याचना आपसे करता हूँ। उसमें एक बड़ी गलती मेरे से हो गई कि ये विभाजन कहीं ना कहीं दिलों से जुड़ा हुआ मामला है, और जहाँ आंकड़ों की बात आई तो उसमें कुछ त्रुटि मेरे से हुई, तो वहाँ मैं स्वयं को स्पष्ट भी कर देना चाहता हूँ कि इस विभाजन में जो 2.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए या शरणार्थी हुए और लगभग 10 लाख लोग इस त्रासदी में मारे गए, तो आंकड़ों में कहीं ना कहीं कुछ शिकायत भी मुझे मिली थी कि कहीं ना कहीं समस्या रही है, सही जानकारी आपने नहीं दी, तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। और दूसरा, जो 2.5 करोड़ शरणार्थी थे और 10 लाख लोग मारे गए, उसके संदर्भ में भी मैं ये कहूँगा कि ये आंकड़े वो हैं जो दर्ज किए गए, जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज हुए, ये बात उनकी हो रही है। जो आंकड़े दर्ज नहीं हो पाए उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो पुनः क्षमा याचना, और इसके साथ ही आज की जो श्रृंखला है वे 48 घंटे, जी हाँ, वे 48 घंटे को हम शुरू कर रहे हैं। इसके बारे में भी मेरी उम्मीद आपसे यही रहेगी कि आप उतना ही स्नेह हमें प्रदान करें। अगर कोई सुझाव आपका है, व्यक्तिगत संस्मरण आपका कोई है, तो आप हमारे साथ साझा करें। आपको हम रिकॉर्ड करेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे और आपके सुझावों को सम्मान भी देंगे, ऐसा हमारा आपसे वादा है। अब शुरू करते हैं, और आज वे 48 घंटे में सबसे पहले मैं डॉक्टर त्रिखा से जुड़ा उनका खुद का एक संस्मरण, जिसने वे 48 घंटे लिखने पर उन्हें मजबूर किया, से शुरू कर रहा हूँ। यह महज संयोग था मगर अविस्मरणीय। 1948 में मैं कटासराज की यात्रा पर पाकिस्तान गया था। मन में दो बातें कुलबुलाती रही थीं। कटासराज की पौराणिक गाथाएं मन को प्राय आंदोलित करती थी। भगवान शिव जब सती का शव उठाए पूरे ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे, तब सती के शरीर के कुछ भाग वहां भी गिरे थे। शिव की आंख का एक आंसू भी गिरा था जो सरोवर बन गया। ये संदर्भ पौराणिक हैं या किंवदंती, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। कटासराज से जुड़ा एक और प्रसंग महाभारत काल का यक्ष युधिष्ठिर संवाद था। दोनों प्रसंग ढेरों संवेदनाओं को जगाते थे। दूसरी बात, मैं उस शख्स से मिलने को व्याकुल था जिसका नाम था अली अहमद खान मानेका। मानेका पाकिस्तान के वडेरा संस्कृति के अंग थे। वडेरा शब्द वहां के बड़े जमींदारों के लिए प्रयोग होता है। मानेका मार्केट कमेटी पाकपटन में मेरे पिता के सहयोगी हुआ करते थे। हम दफ्तरी रिश्तों के अलावा दोनों में बेहद करीबी प्यार था। दोनों ही अपनी जमीनी पृष्ठभूमि के बावजूद पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करने लगे थे। हम लोग मानेका साहब को चचा जान कहते थे। मानेका मेरी माँ को भाभी जान कहते थे और पिताजी को दोस्ती के नाते जाने मन तो कभी मोहतरम भाई साहब कहकर बुलाते। जब भारत पाक विभाजन हुआ तो मेरी उम्र लगभग 2.5 साल थी। अली अहमद खान मानेका एक हाथ में अपनी बंदूक उठाए और दूसरे हाथ में मुझे अपने कंधे पर बैठाए नव निर्मित भारत पाक की सीमा तक छोड़ने आए थे। कंधों से मुझे उतारा, माथा चूमा, नम आँखों के साथ मेरी माँ के चरण छुए और पिताजी से लिपट कर रोते रोते वापस गए। उसके बाद पत्र व्यवहार जारी रहा। पत्रों में चचा जान अक्सर मुझे याद कर लिया करते और लिखते, उस कंधे में मीठा मीठा दर्द अब तक होता है जिस कंधे पर अजीज को बैठाकर 30 मील पैदल चला था, मगर जिस दिन दर्द ना हो उस दिन खुद को बीमार बीमार सा महसूस करता हूँ। बाद में पत्र व्यवहार का सिलसिला मैंने भी संभाल लिया था। चचा जान को शेरो शायरी का बेहद शौक था। कभी कभी बिस्मिल हयातवी के नाम से शेर भी लिखते थे। कटासराज गया तो मैंने गुजारिश की वह लाहौर आकर मिल जाएं। उनका संदेश आया एक बड़ी हवेली में मिलने का।
मैं उस दिन अपने साथियों से अलग हटकर पहले पाकिस्तान टाइम्स के दफ्तर गया, फिर अहमद नदीम कासमी साहब से मिलने के बाद उस हवेली का रुख किया जो एक विशाल बाग के बीचों बीच स्थित थी। पहुंचा तो बंदूकधारी दरबान मुझे भीतर एक हाल में ले आए। तभी चचा जान ने प्रवेश किया, वही लंबी चौड़ी शख्सियत जिसकी मैंने कल्पना की थी। सलवार कमीज व कुर्ते वाली पगड़ी में चचा जान का रोबदार चेहरा वाकई वडेरा संस्कृति का परिचायक था। मैंने झुककर चरण छुए और उन्होंने लपक कर गले लगा लिया और भर्राई आवाज में सबकी खैरियत और हालचाल पूछा। कुछ लम्हों के बाद उन्होंने अपने गनमैनों से कहा, अरे भतीजा आया है, कोई सलामी तो दो। गनमैनों की बंदूकों से हवाई फायर निकले और इस तरह से जज्बाती चचा जान ने रिश्तों को सलामी दी। फिर सुनाने लगे किस्से कि कैसे मेरे जन्म के 11 दिन बाद मुझे व पिताजी को लेकर वह दरगाहे फरीद पर माथा टेकने के लिए गए थे। फिर चचा जान कहते, ओए पुत्र, एक बार तो मिला दो दो बिछड़े भाइयों को। बरसों बाद पता चला कि चचा जान जन्नत को कूच कर गए हैं, मगर मेरे दिल में एक बात गहराई तक घर कर गई थी कि राजनीतिक या भौगोलिक हकीकतों से भी ज़्यादा बड़ी संवेदनाओं और जड़ों की हकीकत होती है। बहरहाल दोनों मुल्क अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, उन्हें तोड़ने की बात महज शायरी हो सकती है, हकीकत में नहीं। मगर बेहतर होगा खोए हुए विश्वास की बहाली के लिए थोड़ी ईमानदाराना मशक्कत हो। पीरों, फकीरों, सूफी संतों, गुरुओं और मंदिरों की घंटियों व मस्जिद के अजानों से सुर तो यही निकलते हैं ना। मानस की जात सबई एक ही पहचाना वो। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। नमस्कार।